अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आज? आज आपको मैं मिली जुली सब्जी पकाने सिखाती हुई। इसके लिए हमने एक पाव आलू, आधा किलो से थोड़े से कम मटर, दो टमाटर, एक पाव गाजर, एक पाव फूल गोभी और ये गरम मसाला ऊपर डालने के। चलिए जी, हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने प्याज एक कप ऑयल में, दो दरमियानी साइज़ की प्याज हमने काट के उसे ब्राउन कर दिया। ये देखिए जी, ये ब्राउन हो रही है। थोड़ी सी ब्राउन करने से ये होता है कि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाता है, हांडी का कलर बहुत अच्छा आता है, जिसके हांडी का टेस्ट भी अच्छा लगता है। अब ये देखिए, एक लहसुन चमचा, एक चमचा लहसुन और एक चमचा अदरक का मैंने डाल दिया। इसको हम भुनेंगे थोड़ा सा, इसे भी हम हल्का सुनहरा करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसी तरह से इसको ना भून लें, क्योंकि कच्चे जो लहसुन प्याज की वो है उससे हांडी का टेस्ट अच्छा नहीं आता। कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ नहीं पसंद करते। ये देखिए जी, ये बस प्याज भुन रहा है, ये इसका कलर चेंज हो रहा है। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे, जो दरमियानी साइज के दो काटे हुए थे। ये दोनों टमाटर हम इसमें डाल के इनको भुनेंगे थोड़ा सा। चलिए जी, ये टमाटर डालिए, अब इसको भुने 5 मिनट तक। इसको हम भुनेंगे ताकि टमाटर गल जाए। देखिए जी, 5 मिनट तक भून रहे हैं। कितना प्यारा कलर टमाटर का लग रहा है इसमें। हांडी में टमाटर हो तो उसका कलर अच्छा लगता है। अब इसमें हमने मसाले जितने भी थे, हल्दी एक आधी चलती हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, ज़ीरा, नमक और सूखी मेथी, नमक और सूखी मेथी डालेंगे और डाल के इन्हें फिर थोड़ा सा पानी डाल के भुनेंगे, मसाला तैयार करेंगे। ये सारे मसाले हैं जी, और ये थोड़ा सा दड़ा मिर्च, जो मोटी कुटी लाल मिर्च, इससे भी सब्जियों वाले हांडी का बहुत टेस्ट आता है। ये देखिए जी, ये अब इसको डाल देंगे सबको हम बीच में। डाल के इसको भुनेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। देखिए जी, हमने मसाले डाल दिए सारे मसाले, अब इसको हम फ्राई करेंगे। ये हमारा फ्राई हो रहा है, मसाला भुन जाएगा। देखिए कलर कितना प्यारा माशाल्लाह आ रहा जी। इसी मसाले का जो टेस्ट होता है सब्जियों में होता है, ये मसाला अच्छी तरह से ना भुना हो तो सब्जियों का टेस्ट अच्छा नहीं आता। इसलिए मसाला अच्छी से भून के फिर इसमें सारी सब्जियां डालिए। ये देखिए जी, मसाला भून गया, टमाटर गल चुके हैं हमारे। अब इसमें हम सारी सब्जियां ऐड करेंगे। आलू सबसे पहले डालेंगे, इसके बाद गोभी, गाजर, गाजर भी डाल दी हमने, ये मटर अब डाल दिए। अब देखिए माशाल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब देखिए जी कैसे अच्छा कलर आ रहा सारी सब्जियों का। अब इन्हें थोड़ा सा भुनेंगे ताकि इनका पानी खुशक हो जाए, फिर इन्हें हम हल्की आँच पे रख देंगे पकाने के लिए। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ रहा है। ये देखिए, ये अब तैयार हो गई है। 15-20 मिनट के बाद हमने उठाया, इसे तैयार हो गई। इसमें हमने आधा लीमू निचोड़ा है, लीमू से हांडी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
आधे से ज़्यादा नींबू ना जाए, सिर्फ आधा नींबू उसमें निचोड़ ले। देखिए माशाल्लाह जी, ये देखिए हांडी अब हमारी तैयार है। देखिए कितने प्यारे गल गए, मटर भी गल गया, आलू भी। अब इसमें हम गरम मसाला डालेंगे, आधी चमची गरम मसाला डाल दिया हमने। अब इसमें हरी मिर्ची और धनिया ऐड कर दें। देखिए जी माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, ये हांडी हमारी तैयार हुई। हरी मिर्ची हमने बारीक उतर के वो भी डाल दी दम पे। ये हमारी हांडी तैयार है। ये देखिए जी, जिस शहर करके बताया, देखिए कितने खूबसूरत माशाल्लाह अपनी, इसका कलर देखिए और टेस्ट करके बताइएगा मुझे कैसे पका है। लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान हिफ्ज़ो अमान में रखे। ये देखिए जी माशाल्लाह, हांडी कितनी अच्छी पक गई। अच्छा जी, अगली और रेसिपी के लिए मैं फिर हाज़िर होगी, तब तक जा दीजिए।